बाद मैं सीधा आ चुका हूँ त्रिवेणी घाट भाई। यहाँ पे बारिश हो गई थी और जो मेरे एस जे कैम की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। और ये भाई है जिसने मुझे चाय वाय पिलाई है। भाई आपका नाम क्या है? भाई का नाम निकोलस है। और भाई यहाँ पे भेलपुरी की रेटी लगाते हैं। सबसे पहले भाई भाई को बोलेंगे थैंक यू जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और हमें चाय वाई के लिए भी पूछा। तो भाई सबसे बड़ी बात तो भाई के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई यहाँ पे भाई भेलपुरी लगाते हैं, तो अगर आप त्रिवेणी घाट की तरफ आते हैं तो भाई इन भाई की भेलपुरी ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ये जहाँ पे रेडी लगाते हैं बिल्कुल ये पीछे मेरे गेट है, पार्किंग के साथ में। तो बातें हो गई, चाय भी पी ली इनके साथ। लेकिन अब चलते हैं जो यहाँ की जो फेमस गंगा आरती है उसके दर्शन करने और उसका एक गवाह बनने। ये है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी इसका नाम क्यों दिया गया है? त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इसलिए ही इसे त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गंगा घाट पे और त्रिवेणी घाट गंगा आरती के हम यहाँ पे गवाह बनने आए हैं क्योंकि इस तरीके से हो रही है आरती होती है वो हमारी सनातन परंपरा को उजागर करते हुए और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही होती है। और आज हम इस गंगा आरती के गवाह बने और भाई बहुत ही आनंद में ये जो नज़ारे हैं बहुत ही आनंद में मन को प्रसन्न करते हुए। छिड़काव हो रहा है, हमारी सनातन जो परंपरा है उसको बिल्कुल समेटे हुए ये मनमोहक नज़ारा आज देख के ही इसको दिल खुश हो चुका है। और भाई यहाँ पे देखिए किस तरीके से गंगा जल का छिड़काव हो रहा है और इस आरती के हम गवाह बने भाई, ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात। गंगा आरती है, गंगा मैया की जो आरती है वो आपने देख ही ली है भाई। मनमोहक दृश्य जो जिसकी परिकल्पना हम अपने शहर से बैठे बैठे नहीं कर सकते। अगर हमें इस चीज़ का गवाह बनना है तो हमें खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो त्रिवेणी घाट का जो ये अद्भुत नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया, दिल बाग बाग हो गया। और इस गंगा आरती के क्या ही कहने, जो मन को शुद्धता एवं प्रदान कर दी है इस गंगा आरती ने। और ये देखिए भाई इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये आरती के नज़ारे हैं। और यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे शाम को इसलिए ही भीड़ होती है और त्रिवेणी क्यों कहा जाता है ये रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। निकलने देना भाई, यहाँ पे मैंने सुना है एक राजस्थानी ढाबा है, उसकी मैंने बहुत तारीफें सुनी है, तो चलिए एक बार वहीं चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई मैं गलत आ गया था, तो भाई से मैंने अच्छा करा, मैंने कन्फर्मेशन ले ली है और अब मैं राजस्थानी जो ये होटल है उसकी तरफ निकलता हूँ। भाई जो विंड जो यहाँ पे भी हवा चल रही है उसका भाई कोई जिक्र नहीं कर सकता। मैं इतना प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है, जब मैं दोपहर में आया था तो भाई इतना खराब मौसम था, इतनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन अब जो मौसम है वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि भाई मेरा नंबर यहाँ पे आएगा,
राजस्थानी जो ये नहीं लगता भाई मेरा यहाँ पे नंबर आने वाला है राजस्थानी जो होटल है इसके अंदर भाई, इतना इंतज़ार मेरे से नहीं होगा। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, कोई दूसरा ऑप्शन अपने लिए तलाश। भाई विंड ब्लास्ट मुझे नहीं पता इसमें सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है और मेरे आते ही यहाँ पे ठंड बढ़ गई है अब। अच्छा तो भाई तंदूरी रोटी और नान अंकल दे रहे हैं आज का ज्ञान, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को लग रहा है सारी रेसिपी यहीं लेके बैठे हो तुम भी। चलो भाई जो है लो भाई, अंकल भी बता रहे हैं भाई, सुन लेना इनसे यहाँ पे आके। तो भाई मैंने लेने थे यहाँ पे ब्लेसिंग फ्लैग्स, मैंने वो ले लिए हैं, किसी को देने हैं। मार्केट छानने के बाद एक ऑप्शन मुझे अभी तक मिला है, वो है चावला वैष्णो भोजनालय। इसमें है क्या क्या खाने के लिए वो देखते हैं। आलू पकौड़े छोले भटूरे आ चुके हैं, आलू वाले और स्वीट सी ये वाली लस्सी जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी मिक्स है। लस्सी तो अच्छी है, अब इसको खा के देखते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। फिलहाल जो छोले भटूरे थे और स्वीट लस्सी इतनी ज़बरदस्त भूख थी कि बस मैं टूट पड़ा हूँ। जो टेस्ट था डिसेंट था, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे तो ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, तो डिसेंट सा टेस्ट मुझे लगा था। और अब भाई ऐसा लग रहा है कि उठने का मन नहीं कर रहा,